बेटा ये क्या ड्रामा है, तू सो रही है अब तक? क्या हुआ मम्मी? बेटा ये तेरा ससुराल है, तेरा घर नहीं है, जो तू 10-10 बजे सो के उठ रही है। क्या है मम्मी, सोने दो ना। स्वाति क्या है? लो मैं तुम्हारे क्यों उठ लेगा, आप तुम्हारा मूड खराब था ना। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मेरे साथ ऐसी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है, आई समझे? और हाँ, तुम्हारी मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। अरे मुझे पता, अभी हम लोगों को एक दूसरे को मिलने के टाइम लगेगा, आज बैठ के लेना सही, कम से कम मेरी दोस्ती की तरफ। गुड मॉर्निंग बाबू, उठ गई तुम? क्यों, तुम्हें काम था क्या? काम तो कुछ नहीं है, मैं पूछ ही तो रहा था। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना तुम एक अच्छी साड़ी पहन लेना। क्यों, किस खुशी में पहनूं साड़ी? हाँ अरे वो ना, मेरे बॉस ने हमारी शादी की खुशी में पार्टी रखी है, तुम्हें तो पता मैंने तो पार्टी दी नहीं थी, तो हम दोनों को बुला रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आई समझ में? और हाँ, तुम मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो, अगर मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश करोगे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार एक बात बताओ, मेरी क्या गलती है कि तुम मुझे ऐसा बोल रही हो, हैं? मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आई समझ में? और तुम जाओ जहाँ जा रहे हो। यार उसका ना आज मेरी वजह से मूड खराब हो गया, उसका मूड भी मैं ही ठीक कर सकता हूँ। यार पता ना कहाँ रह गई, रोज रोज के ऐसे ड्रामा इसके। अरे यार कहाँ रह जाती हो तुम, तुम्हें पता मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? यार मेरे पति ने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए मैं लेट हो गई। वैसे स्वाति एक बात बोलूं, शादी के बाद हर लड़की बदल जाती है पर तुम नहीं बदली। शादी के बाद मैं नहीं बदली पर तुम बदल गए हो, एक बार भी फोन भी नहीं करते तुम। अरे कुछ नहीं यार, वो काम इतना, टाइम नहीं मिल पाता। अरे ये तुमने मंगलसूत्र पहन रखा, एक काम करो इसे तोड़ दो। अरे ये क्या कर रहे हो? स्वाति मैं तेरा मंगलसूत्र इसलिए तोड़ना चाहता हूँ ताकि तू उसे साफ साफ बता दे कि तू उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम सही कह रहे हो, ये तो मेरे दिमाग में आई नहीं, पर आज कही है तुमने काम वाली बात। अच्छा मैं चलती हूँ, वो आ गए होंगे घर पे। ठीक है अपना ध्यान रखना। ठीक है। स्वाति यार मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, तुम कहाँ गई थी? वो अमित, मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी। अच्छा तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो तुम इतना घबरा क्यों की बोल रही हो? अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? वो ना काम करते हुए जाली में लचके टूट गया। अरे पागल, वो टूटा नहीं होगा, वो वैसे ही निकल गया होगा, तू ऐसे कर तू ला कर दे मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा मैं ये कह रहा था, कल मेरी मीटिंग है, तुम मेरे लिए लंच बना दोगी? क्यों, मैं नौकर हूँ तुम्हारी, और मैं ये कह रही हूँ ये पतिवती बनना बंद करो, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारा लंच वंच। यार स्वाति एक बात बताओ यार, आखिर मेरी गलती क्या है, हैं? मुझे ये तो बता दो बस, मेरी आखिर गलती क्या है यार, तुम मुझे क्यों ऐसा बोलती हो बार बार, हैं? मेरी बस गलती यही है ना कि मैंने तुमसे शादी कर ली। देखो मैं ये कह रही हूँ, जो चल रहा है चलने दो, आई समझ में? ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो,
हटो यहाँ से। सुनो। हाँ। आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। चलो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। फिर ऐसा करते हैं, फिर घूमने चलते हैं। हाँ चलेंगे घूमने। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। बाय। अरे यार, तू आज यहाँ कैसे आया? जब तू मेरा फोन ना उठा रही तो मुझे तो आनी पड़ा। चल बता तुझे क्या काम है। अरे तू नू बता, तू मेरा फोन क्यों ना उठा रही? अरे वो मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। चल इन सब छोड़, यू बता तेने बात करी अपने पति से? किस बारे में? अपने और उसके अलग होने के लिए। क्या तुझे उससे अलग नहीं होना क्या? यार मैं एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ कहो। मैं अमित को एक मौका देना चाहती हूँ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने को। मुझे अमित से प्यार हो गया है। स्वाति, किसको मौका देना चाहती हो? अरे अमित तुम। स्वाति ये कौन है? अरे अमित, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। स्वाति झूठ क्यों बोल रही है? मैं इसका फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ। अरे ओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? तू चुप रह, इसे मैं बताता हूँ। ये तुझे छोड़ना चाहती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और हाँ तेरी भलाई भी इसी में। तू चुपचाप इससे दूर हो जा, वरना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हरिओम, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये मेरे पति हैं, ये मेरे भगवान हैं, और हाँ तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखा जाना। तुम पूछोगी नहीं? स्वाति अगर तुम जाना चाहती हो ना तो तुम खुशी खुशी चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अमित, जब मैं जाना चाहती थी जब तुमने जाने नहीं दिया, अब मैं जाना नहीं चाहती तो आप बोल रहे हो चले जाने के लिए। स्वाति मुझे पता है बाबू तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अमित अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे।